सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, है ना? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो अभी PT1 के एग्ज़ाम हुए, आप लोगों ने नोटबुक सबमिशन भी करा दिया है ना, और आप लोगों ने अच्छे से लिखा है उसमें, है ना? ओके बेटा, अब हमें आगे के एग्ज़ाम Term 1 की तैयारी भी करनी है ना। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना, अब हमें आगे के जो लेसन है उनकी तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो पार्ट 4 हम कर चुके थे और पार्ट 5 का हम भाग 1 कर चुके। ओके, बहादुर बित्तू है ना, उसका हमने क्या क्या किया था? कठिन शब्द कर लिए, शब्दार्थ किए थे हमने, किसने किससे कहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, और सही और गलत यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, और अब हम इसमें आगे क्या करेंगे? एक तो वाक्य बनाइए और प्रश्न उत्तर इसके, ये बाकी रह गए थे ना, इसका अध्याय हम आज करेंगे। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए तो सब जानते हैं ना, एक शब्द होता है उससे हमें पूरा वाक्य बनाना पड़ता है ना। तो हम सबसे पहले करेंगे वाक्य बनाइए। इसमें है नंबर 1, पहला है का है शर्म। अब इसका है, इसका वाक्य कैसे बनाया है हम बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो लिखवाया है नोटबुक में। शर्म है, बित्तो ने किसान से कहा गाय को शेर से खिलाते शर्म नहीं आती। अब शर्म शब्द आ गया ना इसके अंदर, तो ऐसे एक वाक्य बन गया शर्म से। और ऐसा नहीं है कि हमको जो मैंने आपको लिखवाया है नोटबुक में वो ही हम शब्द वाक्य बनाए। ओके बेटा, कितनी बार आपको बताया है कि हम वाक्य कोई भी बना सकते हैं, जैसे कि मुझे वहाँ जाने में बहुत शर्म आती है, ये तो बहुत शर्म आती है। ओके, ऐसे और भी हम वाक्य बना सकते हैं ना, कि मुझे खेलने में, मुझे उसके साथ जाने में बहुत शर्म आ रही है, वहाँ जाने में मैडम के सामने जाने में शर्म आ रही है। ऐसा हम और भी कोई वाक्य, कैसा भी शर्म, लेकिन उसमें जो शब्द दिया है शर्म वो आना चाहिए। इस तरह से वाक्य हमको बनाना है। ओके, अब है मरियल। दूसरा, ये तो एक शेर है वो भी मरियल सा। अब इसमें मरियल आ गया ना शब्द, तो ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं वाक्य, जैसे ये बहुत मरियल सी गाय है, ये घोड़ा बहुत मरियल सा है, ऐसे और भी वाक्य बना सकते हैं। फिर इसका है ग है नंबर 3, उदास। अब उदास इसका बुक में जो हमने लिखवाया है नोटबुक में वो है, भेड़िए ने शेर से पूछा महाराज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें उदास आ गया ना शब्द, ऐसे ही हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आज बहुत उदास हूँ, आज वह बहुत उदास है, उसको देखकर मुझे लगा कि ये बहुत आज उदास है, मैं वहाँ नहीं गई इसलिए मैं बहुत उदास हो गई। ऐसे हम और भी वाक्य बना सकते हैं। ओके, अब है घ नंबर 4, कोशिश। अब कोशिश में है, महाराज एक बार कोशिश करके देखिए, बैल आपको ज़रूर मिलेगा। उसका बैल खो गया था ना, तो ऐसा इसमें लिखना है हमको, महाराज एक बार कोशिश करके देखिए, बैल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और हम ये भी लिख सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे भी हमें एक वाक्य हम बना सकते हैं। ओके बेटा, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। अब प्रश्नों के उत्तर में है, पहला देखते हैं हम, पहला प्रश्न है इसका, का शेर किसान से क्या लेने गया था। अब है उत्तर इसका, शेर किसान से बैल लेने गया था। ओके, क्या लेने गया था? बैल लेने गया था। अभी जब मैं पढ़ती हूँ ये प्रश्न उत्तर वगैरह, तो आप नोटबुक लेके बैठा करो, CW नोटबुक लेके, जब मैडम रिवीजन कराती है ना आपको, तो आपको CW भी नोटबुक लेके बैठना। ओके, जिससे कि जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, जैसे उस वही शब्द ध्यान से देखना कि ये मैडम क्या बोल रहे हैं। ओके, जिससे आपको रीडिंग करने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, अब जैसे है, शेर किसान से क्या लेने गया था, तो इसका उत्तर है, शेर किसान से बैल लेने गया था। ये हो गया इसका उत्तर। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, दूसरा प्रश्न है इसका, बैल की जान कैसे बच गई। अब इसका उत्तर है, बैल की जान बित्तो की तरकीब से बच गई। अब एक बार और देख लेते हैं इसको, बैल की जान कैसे बच गई, तो इसका उत्तर है, बैल की जान बित्तो की
तरकीब से बच गई। वित्तों की तरकीब ने, वित्तों ने जो उपाय बताया था उसके उपाय से ही तो बची थी ना उसकी जान। अब है तीसरा इसका, देखते हैं घ, ग देखते हैं। किसान ने शेर से क्या लाने का वायदा किया? इसका उत्तर है किसान ने शेर से गाय लाने का वादा किया। एक बार और देखते हैं इसको, किसान ने शेर से क्या लाने का वादा किया। तो इसका उत्तर है किसान ने शेर से गाय लाने का वादा किया। अब नंबर फोर, नंबर चार है इसका, बित्तों को गुस्सा क्यों आया? अब ये थोड़ा बड़ा है इसका उत्तर, है ना, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। उत्तर है इसका, किसान ने शेर से कहा कि मैं घर जाकर गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तों को गुस्सा आया। ओके, तो ये एक बार और देखते हैं इसको, बित्तों को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर है, किसान ने शेर से कहा कि मैं घर जा कर गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तों को गुस्सा आया। ओके, ऐसे धीरे धीरे करके हमको याद करना है। ओके, अब मात्रा देख देख के, वर्ण पहचान के और मात्रा पहचान के, एक एक वर्ण को पहचानोगे और फिर एक एक मात्रा को पहचानोगे, धीरे धीरे एक शब्द बना बना के पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना हमको आएगा, है ना, और लिख भी सकते हैं हम बिना देखे, है ना। उत्तर के हमको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर तो हमको बिना देखे ही लिखना पड़ता है ना। तो पहले किसान लिख, किसान है तो देखो कि कौन सा वर्ण है, का लिखा है, इसमें मात्रा कौन सी है, फिर सा पे कौन सी मात्रा है, इस तरह से हम देखेंगे तो हमको पढ़ना आ जाएगा, है ना। मात्राएं तो आप सब लोगों ने, सबने सीख ली है ना। अब है नंबर फाइव, नंबर पाँच, शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा? शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा? उसको डर लगा था ना, तो वो क्यों कांपने लगा था? इसका उत्तर है, बित्तो जब घोड़े पर सवार होकर आई और जोर से चिल्लाई, किसान तू तो चार शेर लाने को लाने वाला था, यहाँ तो केवल एक ही है। यह कहकर जैसे ही शेर की तरफ बढ़ी, तब ही शेर डर के मारे कांपने लगा। अब तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार और देखते हैं बेटा। बड़े प्रश्नों को तो आप लोग याद, लिख के याद करोगे ना, तो वो आपको अच्छे से याद होगा, है ना। एक बार और देखते हैं, शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा? अब इसका उत्तर है, बित्तो जब घोड़े पर सवार होकर आई और जोर से चिल्लाई, किसान तू तो चार शेर लाने वाला था, यहाँ तो केवल एक ही है। यह कहकर जैसे ही शेर की तरफ बढ़ी, तब ही शेर डर के मारे कांपने लगा। ओके बेटा, ये हो गया इसका लास्ट प्रश्न। एक बार और देख लेते हैं प्रश्न उत्तर इसके। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। फिर नंबर दो है इसका, बैल की जान कैसे बच गई? तो इसका उत्तर है, बैल की जान बित्तों की तरकीब से बच गई, या बित्तों की वजह से बच गई। ओके, अब इसका थ्री नंबर है, नंबर थ्री, किसान ने शेर से क्या लाने का वादा किया? तो इसका उत्तर है, किसान ने शेर से गाय लाने का वादा किया। नंबर चार है, बित्तों को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, किसान ने शेर से कहा कि मैं घर जाकर गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखे
मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को गुस्सा आया, यह सुनकर गुस्सा आया था ना बित्तो को। अब है नंबर 5, शेर डर के मारे क्यों कांपने लगा। इसका उत्तर है, बित्तो जब घोड़े पर सवार होकर आई और जोर से चिल्लाई, किसान तू तो 4 शेर लेकर आने वाला था, ये तो केवल एक ही है। यह कहकर जैसे ही शेर की तरफ बढ़ी, तभी शेर डर के मारे कांपने लगा। ओके बेटा, इसके प्रश्न उत्तर हो गए, वाक्य बनाई हो गए, कठिन शब्द भी हो गए, शब्दार्थ हो गए, ये सब हमको अब अच्छे से रफ नोटबुक में लिख लिख के याद करना है ना। और हमें हम जो PDF भेजेंगे उसमें आपको जो चीज़ आपने नहीं लिखी है नोटबुक में, CW में नहीं लिखी और वो PDF में अलग से आपको दिख रही है, तो आप उसको CW में लिखना और उसको भी याद करना और लिख लिख के याद करना। ओके, लिख के, और मैंने कितनी बार आपको बताया कि आप हमेशा एक शब्द को, एक आंसर को 5 टाइम लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। और कोई भी जैसे मात्रा भी मिस्टेक होगी तो वो हमको पता चल जाएगी अगर हम लिखेंगे ना, बिना देखे लिखेंगे। एक बार बिना देखे लिख के देखो तो आपको अगर गलती भी होगी ना, फिर दोबारा देखो, चेक करो कि हमने ये उत्तर सही लिखा है क्या, फिर आंसर से उसको मिलाओ। अगर जो भी मिस्टेक होगी उसको ऐसे सर्किल कर लो, और वो जो शब्द हमारा गलत है उसमें मात्रा मिस्टेक है उसको हम 5 बार लिखेंगे, और 5 बार लिखेंगे तो हमको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से आप याद करोगे ना बिना देखे आंसर, कोशिश करो बेटा, बार बार आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और हम एग्ज़ाम में भी अच्छे से, अभी तो आप लोग घर पे बैठ के दे रहे हो एग्ज़ाम, लेकिन बार बार थोड़ी देने पड़ते हैं। फिर स्कूल खुलेंगे, हमको स्कूल आना है वापस, फिर एग्ज़ाम होंगे, तब तो स्कूल में तो बिना देखे लिखना पड़ता है ना हमको, तो इसलिए अभी से आपको कितना टाइम मिल रहा है घर पे, तो आप घर पे रह के अच्छे से लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिखने का अभ्यास कर सकते हो। आपकी राइटिंग, जिस जो बच्चों की राइटिंग थोड़ी ऐसी अच्छी नहीं है, वो बच्चे लिख लिख के अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं, लिख के अभ्यास कर सकते हैं। ओके बेटा, और हमें अच्छे से ध्यान रखना है अपना, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। और मैंने कितनी बार बताया है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है बार बार, और मास्क लगा के रहना है हमेशा। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।